आज है 30 जून 2024 और दिन है आज रविवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 3:32 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के खजियार में। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ जून 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहां का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहां पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए थे। चलिए आज की यात्रा आरम्भ करते हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं और अब हम निकल रहे हैं घर से डलहौजी और खजियार की ओर। तो आज हम जा रहे हैं खजियार वाया डलहौजी। आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और अभी तक जो है ये सुबह से लेकर अभी तक धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। हाँ चाचू को रखने ये रख देते गेटा। चल भैया भैया सीट कहाँ कर ले, एक एक आगे की बहना पीछे बहना। अब भी बैठ जाता हूँ। पीछे बहना था वही रस हुए बनाने अच्छे बच्चे का। 10:07 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं डलहौजी बस स्टैंड पे। घर से लेकर जो है ये डलहौजी बस स्टैंड तक मुझे बिल्कुल जो है ये रास्ता खाली मिला, कोई भी भीड़ भाड़ जो है ये डलहौजी बस स्टैंड तक मुझे देखने के लिए नहीं मिली। मैं घर से इसलिए लेट निकला क्योंकि मुझे पता है आज रविवार का दिन है और बहुत ही ज्यादा जो है ये आज रविवार के दिन भीड़ होती है। ज्यादातर जो टाइम है वो भीड़ में ही निकल जाता है, जाम में ही निकल जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। शायद इस वक्त जो है ये मुझे कम भीड़ जो है ये देखने के लिए मिल सकती है, तो इसलिए मैं जानबूझकर जो है ये थोड़ा लेट आया हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है तस्वीरें डलहौजी बस स्टैंड की। तो अभी मैं जा रहा हूँ डलहौजी बस स्टैंड से सुभाष चौक की ओर और देखते हैं कि आज डलहौजी सुभाष चौक पर इस वक्त जो है ये कितने टूरिस्ट जो है ये घूमते हुए मिलेंगे। जाम ही नहीं मिल पूरे रास्ते अंदर। लाल फिक्की होगा दी मुश्किल होते वो चले ठीक है आ चले खान साहब पार्किंग लगाना है, जाइए सुभाष चौक छिकनी फोटो तो चर्चा चुर्चा भी जाइए। खान की पार्किंग
ले ले जा 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 कितनी भीड़ थी? भीड़ तो बड़ी है। छिक्की फोटो फाटो कोई छिक्की अपना उत्ते चर्च नहीं है, है? चर्च नहीं है कि जो जानते थे कोई भी था। ये देख पूरी बरसाती सही बदल लग गए ना। स्कॉर्पियो 8 जाम पता लगे कोई बस अगे मीते चली गई रास्ता भी जुड़ता ना मैं कोई आप तू ही बैठ जी सब लोग जी पहले तो सुना एक सर ए दे दे तो करो दे आए अब ना दिखती है अंदर पैर ना इस ये प्रायोरिटी ऐसे कुछ किया है अपन चलो री कर रखनी है गल मेरी ये बात लिख दी थी लिख दी थी पूरी ये चला 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 कुछ मेला अज बारह पत्थर कुछ मेला मेला कुछ बन्नी माता आज मुझे पता देखो बारह पत्थर मेला जल्दी चलो यार चलो।
गिले देवी संडे उठ के खेलना चले मम्मी पता है सारे थार जिमनी जिमनी चाचो पीडीसी है सबसे लाल लाइट वाला चंबे राय चंबे डीसी है सबसे लाल बत्ती वाला मम्मी चंबे डीसी देख क्या तू सब दे जाता अंदर तक ही नोबा कृष्णा वाला चला जाओ जाओ उतरो सड़क देखिए क्रॉस करे 11:50 हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं डलहौजी बीजी पार्क और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। आप लोग देख सकते हैं बीजी पार्क पर जो है ये पूरी चारों तरफ जो है ये बादल छाए हुए हैं और काफ़ी गाड़ियां जो है ये यहां पर रुकी हुई हैं। पूरे 12 बज चुके हैं और बच्चों ने बीजी पार्क घूम लिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं आज डलहौजी बीजी पार्क पर इतने टूरिस्ट जो हैं ये आज घूमते हुए। घूमया क्या घूमया चाचा नो जीप आई है ना इत्ते हां ए नो जीप चल मेरी ना नो नो ही ना पे आई न्यारा न्यारा हो गया ओए ये ना मेले वाली गड्डी लगी थी है फास्ट फूड अच्छा ले लगना ना लगी दुकान ना ओहो लगी है जाम बन खेत का बूटी हुई दुकान है भी चली आई हुई तो बूटी हुई है देखो उनकी लाइट है दिखड़ी मस्त है दिखे ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟਰੈਵਲਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋ 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 ਦਿਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਰੱਤਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਿਖਾ ਲਾ ਦੋ 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 ਹੀ ਤੇ ਟਰੈਵਲਰ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ बस है हमारी आगे का ना तो रहने दे दिखाओ
कितना टाइम ले जाओ राती हुई है चलो चलो अंकल इधर कर रहा थोड़ी ये साइड से ले आ इधर रख दवा के थोड़ी गड्डी गड्डी इधर आ ना थोड़ी इधर मत आ जा इधर आ चल जान के बाइक पे अंकल जान जिन्नी मेरे घरे आना जिन्नी भेज रहे ठीक है एयरफोर्स पुलिस ले आ उतरा फटाफट चल ले उतरा उतरा महाराज महाराज क्या हाल चाल सर कल हुई थी बरखा वाला समझा खरी चलिए जी 12:47 हुए और हम पहुंच गए डैन कुंड और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं ये आप लोग देख सकते हैं। आज डैन कुंड दिखाने के लिए इतनी टूरिस्टों की गाड़ियां जो है ये टूरिस्टों को लेकर यहां पर पहुंची हुई हैं और मैंने अपने फैमिली बच्चों को भोलानी माता मंदिर में दर्शनों के लिए भेज दिया है और अब मैं जा रहा हूं कहीं पर कार पार्किंग में लगाने के लिए और आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। यहां पर सेफ जगह पर मैं गाड़ी लगाकर जाऊंगा ताकि जाम वगैरह लग जाए तो किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए जी तो यहां पर कार अपनी लगा लेते हैं। चले अंशु लगवाए बैग करिए
अच्छा चल 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 स्कूल पीछे जा पीछे पत्थर भी दिखे पत्थर भी था परले पास एक उस पास से दिख उस पास से कितनी है जगह ठीक है ना लोग दिख बलांस हुई लोग हुई तो गाड़ी हमने अपनी यहाँ पर ये खड़ी कर दी है। 53 मिनट हुए हैं और अब हम जा रहे हैं आगे पोहलानी माता मंदिर की ओर और तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं पूरे जो आगे हैं ये घने बादल छाए हुए हैं और ऊपर का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। 1:20 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं माता पोहलानी माता मंदिर में और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं ये आप लोग देख सकते हैं। आज डैनकुंड पोहलानी माता मंदिर में इतने यात्री जो है ये यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे हुए हैं। हाँ जी क्या लेना तो प्रसाद तो है लाला तो गया पर गया आ जाएगा तुरंत ही ना तो क्या क्या चाहिए आपको कितने कितने का है वो ही बताएगा मुझे लगता है ये देख लो ये वो पानी भरने के एक मिनट आ जाएगा देखते ना रुक जाओ दो मिनट या ले जाना तो ले जाओ इधर आके दे देना पैसे ना वो वैसे जाने का है उनको वैसे पता ले उनको बता दो मैंने छोटा लिया था ना ठीक है डाल दो किसी ये लगी हुई है प्लेट में अंकल है नहीं अजय बच्चे ठहरी के दे ना खा लेने तू 20 रुपए रख दो मेरी चलो चलो मैं आ जाना ना उत्ते है नहीं लाला नहीं लाला बोल दे ना मुझे तो चल पास थी ये बोल दे बोल दे बोल दे ठीक मुझे 5 जिम जाए मिल ले दे मैं बोली था बात थी एक 1:56 हुए हैं और हम लोगों ने माता पोहलानी माता मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। 1:56 हुए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं वापस अपनी कार की ओर रानी माता मंदिर की तरफ। अभी भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट जो है आते जाते आप लोग देख सकते हैं। बस आस्ते 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 बच्चों जो है ये मैं यहीं पर अभी पहुंचा और बच्चे जो है ये नीचे पहुंच गए हैं तो पूरे रास्ते में इन्होंने आज जो है ये मेरी हालत ख़राब कर दी है। ये पूरे रास्ते में मैं इनको पकड़ ही नहीं पाया हूँ। गाड़ी हमारी मेन जो रास्ता है मेन गेट वहाँ पर है और गाड़ी हमारी लगी हुई है इस तरफ और बच्चे भागते हुए जो है ये वो नीचे जा पहुँचे हैं। 2:25 हुए हैं और मैं पहुँच गया हूँ अपनी कार के पास। मुझे शौक है यार कितनी फोटो ले रखी मासी से तो सब दनी ले आड़ी ये ना तो मुझे अफाई रखे दुराई दुराई करी कोना ये नेड़े को तैयार मेरे बड़े बेटो ना अरे 2:36 हुए जाना कहीं आ रहा है की हट जाना है गाई जाना चला सीधे घर आओ हम घर जे जाना खील बंगले अंदर चली आंदे पहलवान ही ताना दे दो अजय गड्डी एक एयर बैग का कुछ ले ले ये चिपकी की प्लेट मुझे थार से बड़ी लग रही है अच्छा आ जाइए हां तो तू तो मैं गड्डी बुक कर रहा है तो मैं चला मैं जा अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया 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 जय जय साहब जी जय 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 जय
3:22 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं खजियार और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज इतनी टूरिस्ट कारें खजियार में टूरिस्टों को लेकर पहुंची हुई है। मेरे कहने को नहीं जाना, नहीं फोटो को नहीं, फोटो छिकने तो देते आसा है ना, छिकने वाली तू सन छिकने अपनी फोटो है वो सुजू कुते मासी रोटी खाने इकट्ठी जाओ। तीन बजे है रोटी खाने टाइम है ਕਿੰਨੀ ਦੋਸ ਥੱਲੇ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਬੈਟਰੀ ਮੁਕਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆ ਲੋ ਰਹਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾ ਚਲੀ ਆ ਤੋ ਅਗੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਥਲਾ ਵੀ ਜਾਮ ਹੀ ਹੋ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿੰਗਾ ਰਾ ਕੁੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘਰ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਧਰ ਬੈਸਾ ਤੂੰ ਸੋਦਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੰਸੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰ ਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੇ ਹਣ ਥਰਾ ਤਰਾ ਉਤਰਾ ਉਤਰਾ ਨਾ ਸੁਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਾਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲ ਆ ਕੀ ਲਗੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਨ ਕਰ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਖਜਿਆਰ और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज इतनी ज़्यादा टूरिस्ट कारें जो है ये टूरिस्टों को लेकर खजियार दिखाने के लिए पहुंची हुई है। ये देखो गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा टूरिस्ट कारें जो हैं ये खजियार में अभी तक भी यहाँ पर हैं। ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खजियार में। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। कुत्ते लाइए गड्डी वाला अगे ले जाते कुछ खेरा जगह। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी जो खजियार की कार पार्किंग है वो टूरिस्ट कारों के साथ भरी हुई है और पूरे का पूरा जो खजियार का पार्क है वो टूरिस्टों के साथ भरा हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहीं पर कार पार्किंग में लगाने के लिए, तो देखते हैं मुझे कार पार्किंग कहाँ पर मिल पाती है। ये आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी गाड़ियाँ खजियार से डलहौजी की तरफ वापसी लौटती हुई। जो रुकी गया है ये आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी टूरिस्ट कारें जो है ये खजियार घूमने के बाद वापस डलहौजी की तरफ लौटती हुई। इतना ही घर निकली ना गड्डियां इतने शायद जगह मिल गई, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वापस भी गई हैं, तो शायद यहाँ पर मुझे जो है ये कहीं पर कार पार्किंग मिल सकती है। तब देखते हैं कहाँ पर मुझे कार पार्किंग मिलती है। देनी होंगी तो फिर यहाँ डेंगे ना, ये बड़ी बड़ी गड्डी निकली तो कुत्ते को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं 3:30 हुए हैं और मुझे यहाँ पर जो है ये कार पार्किंग मिल चुकी है। 3:32 हुए हैं और मैंने बच्चों को भेज दिया है खजियार के पार्क में टहलने के लिए और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं आज खजियार में पूरी की पूरी जो कार पार्किंग है वो टूरिस्ट कारों के साथ भरी हुई है और पूरे का पूरा जो खजियार का पार्क है वो टूरिस्टों के साथ भरा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं ये है आज हिमाचल प्रदेश खजियार से आज का वेदर, हल्के हल्के बादल और नीला आसमान आप साफ साफ देख सकते हैं। तो अभी बच्चों को मैंने खजियार के पार्क में घूमने के लिए भेज दिया है, अब देखते हैं बच्चे कब तक लौट कर वापस
कार के पास आते हैं। 4:44 हुए हैं और बच्चे घूमकर आ गए हैं। बाकी कुत्ते ना गड्डी के चलिए चलिए रासू चलिए चलिए हैं चल चलिए ये देखिए पीछे आता नहीं किसकी कोई घोड़ा गाड़ा। चलो जी कर दियो खजियार जो बाय बाय जा 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 करो फैमिली अंदर ही बच्चे आ जाओ फिर देखो केडे दूर तक ना गड्डियां लगी दी है क्यों करा इसने देखा दिख लिया कितने दूर तक ना था गड्डी लगी थी। 4:50 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं खजियार जगदम्बे माता मंदिर देखने के लिए। डिक्की खोले वाला बैग रख ली थी इससे। 5:08 हुए और सामने में जगदम्बे माता मंदिर देख लिया। चलो जी ये था जगदम्बे माता मंदिर। अब ये घर आओ तो मैं है पानी बोतल अंदर इतने का भर लिया ये है सामने मैंने जा सिज्जा गए ये मन ली थी ना हिलाई बुझ जा लेना तो नहीं जो हेलो जा रहा ना जा ही बड़े थे तो हम मैंने बुझ जाते बस ये इने बारे ने और जाम की ना अब चली आए गड्डी जाने के लिए पानी है तक जाम की 1 बजे तो पहुंच जा सकते हैं ले भी से के डीपीएस आई रे तू साहब बस तो रुकी छोटी गड्डिया आई है ना अगे का चंबा खजियार जी बस खाली है बस खाली एक सवारी है बर्फी तो नहीं खानी बर्फी तो जोत दर पे जा सकते होते ऊपर जोत हां इतका 10 किलोमीटर है जाना आंसु बर्फी खाना हैं ना तुझू खानी बर्फी मम्मी उसे दी ओ राजमा से लाड़ देती है क्या लिखो रहा रे इक्की कौन बस आई चंबा जटकरी चंबा जितकरी कौन बथल करो नाल बिनू है वो बिनू है बिनू चाचू बिनू इथे लाउंदा और बिनू मैं खजियार ही लगेरा हां आज कहां जटकरी लगया नंबर आज कहां लगया नंबर पहले बलेरे पास है तो सोंगे ता खरा है ऊपरा का पूरे 6 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं चंबा में और अब हम यहाँ पर देखेंगे कोई सब्जी की दुकान अगर खुली मिलती है। नीले क्या लेना उसका लेनी सात 7:10 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं वापस अपने गांव में। हाँ सेंटी कुमार करीते बंद आहो आई रिया घूमने से के देखी तो मेले चलो सब टूरिस्ट ने बनाया जाए आज लग गया पता कि उस्ताद गड्डी का क्या है टूरिस्ट ने बनाया चेक कराया भी पॉइंट हो कुदे कुदे घुमान दे सारे ठीक कुमार को योर ठीक ठीक हां जी सुनील कुमार जी ये बात में धान की जो बोलते ना कि जो किसी धान तो चल धान हुंदा बन जाए पैसा। तो ठीक है दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक
जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।